बना रहे हैं और वक्त का मैं मुकाबला सख्त है बिकॉज मुझे आज जाना है ईद शो की रिकॉर्डिंग पे जो कि हम रमज़ान से पहले शूट करेंगे और मुझे निकलना है अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे में और मैं चाह रही हूँ कि उससे पहले जो है ये सब कुछ हो जाए। मैं बनाऊँगी, मैंने चिकन में नॉर्मल मसाले डाले हैं जो भी है, नमक, मिर्च, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर और अब क्या डालूँगी मैं इसमें, कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये 2 चीज़ों का चिकन है जो मैं एक साथ रेडी कर रही हूँ, ब्रेड रोल का और स्प्रिंग रोल का, और फिर मैं सेपरेट करूँगी। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये जो है मैंने ये प्रेपरेशन करके रख ली थी रमज़ान के लिए, ये स्ट्रॉबेरीज हैं जो कि मैंने इसका टॉप कट करके फ्रीज करके रख दी थी। इससे ये होता है कि रमज़ान में ऑब्वियसली आपको इफ्तार पे, मुझे तो जो है वो रमज़ान में कुछ ठंडा पीने का दिल करता है, पहले वो शरबत होता था, अब क्योंकि मैं थोड़ी वेट कॉन्शियस हो गई हूँ तो ये होता है कि जो लोग अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं वो रमज़ान में ऐसे स्ट्रॉबेरीज फ्रीज करके रख सकते हैं और उसका जूस बना के पी सकते हैं। आप लोग शुगर ना भी ऐड करें तो वो चल जाता है। तो ये है कि आप शरबत का ऑल्टरनेट ये, और स्ट्रॉबेरीज आर द बेस्ट फ्रूट्स क्योंकि उसमें कार्ब्स नहीं होते, तो जो वेट देखते हैं अपना तो वो कार्ब फ्री फ्रूट्स होते हैं बेरीज, तो उसमें जो है कार्ब्स नहीं होते, तो आपका वेट अच्छा सा कंट्रोल हो जाता है इफ्तार में अगर आप स्ट्रॉबेरी जूस बना के पिए। अब मेरी चिकन रेडी हो गई थी तो मैंने हाफ़ चिकन अलग कर दी और हाफ़ अलग कर दी, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। ये स्प्रिंग रोल की चिकन है और वो है ब्रेड रोल की। तो पहले इसको मैं ठंडा होने दूंगी और फिर इसको चॉपर में चॉप करूंगी और फिर वेजिटेबल्स ऐड करूंगी। बस इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे चॉप, बल्कि सब्ज़ी भी हमने कर दी थी चॉप, हमें समझ नहीं आई वो बिकॉज वो ज़्यादा ही हो गई थी, तो अब हम उसको कट करके डाल रहे हैं। दिखाना, मेरा मियाँ आ गया मेरी मदद करने। ये हम हैं और ये हमारी गोभी है और यहाँ पर रमज़ान की प्रेप हो रही है और मेरी सुघड़ बीवी जो है वो हमारे मज़ों के लिए जो है वो पहले से ही, क्योंकि अभी शूट से ऑफ है और रमज़ान में क्या करते हैं, शूट से ऑफ नहीं है, मुझे ईदों की रिकॉर्डिंग भी जाना है अभी। वैसे तो फातिमा ने बताया होगा कि हम लोग ये चीज़ इतनी ज़्यादा खाते नहीं फ्राइड, लेकिन बच्चे वगैरह सब बहुत शौक से खाते हैं और वैसे भी रमज़ान का फील आता है तो ज़रूरी है, है ना फातिमा? अब इसका क्या करना है? बस इसका ये हो गया है, अभी बस इसको हम बनाएंगे। ये दिखा देना कि ये ब्रेड रोल के मैं साथ साथ प्रेपरेशन कर रही हूँ, बल्कि पहले स्प्रिंग रोल का बना लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल के सब्जी सॉटे करूँगी, फिर सब्जी में मैं थोड़ी थोड़ी तीनों चीज़ें डालूँगी, विनेगर, सोया सॉस और चिली सॉस। कैप्सिकम भी वैसे मैं डालती हूँ लेकिन मेरे बच्चे सब्जी ज़्यादा खाते नहीं है, खास करके महावीर है कि वो बोलता है कि इसमें सब्जी है, तो इसलिए फिर मैंने सिर्फ ये डाला है इसमें, कैप्सिकम नहीं डाला इसमें, सिर्फ ये बंद गोभी डाली है और स्प्रिंग अनियन भी नहीं डाला, लेकिन आप लोग ऑब्वियसली ये चीज़ें स्प्रिंग रोल में ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं और हमसे ज़्यादा तो बच्चों ने ही खानी होती है ये चीज़ें, तो बच्चों की प्रेफरेंस के हिसाब से बनाती हूँ। और गाइस ये बोटी है और ये यानी तुम क्या बोटी चोर बने हुए हो, मतलब टेस्ट करो, हां टेस्ट करके बता रहा हूं क्या टेस्ट है इतनी ज्यादा, मैंने टेस्ट करके बना लिया है, बस सही है, गुड, वेरी गुड। क्या है ये, तुमने कब लगाया फातिमा? यार ये मैंने अभी लगाया था यार, ये बड़ा अच्छा किया तुमने, एक तो ये पढ़ना भी याद रहेगा, आप भी ऐसा घर के अंदर इसमें लगा सकते हैं। ये मैंने खुद लिखा है। हाँ वो तो मुझे राइटिंग पता चल रही है, हमारे घर में सबसे साफ राइटिंग तुम्हारी है या फिर अलमीर की है? अलमीर की। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ। मैंने इसमें काली मिर्च ऐड कर ली है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी और इसमें हम साथ साथ अपने स्पेगेटी भी ऐड कर लेते हैं। ओके तो अब इसमें हम वो चिकन ऐड करेंगे जो हमने रेडी करके चॉप की थी। ये अप्रॉक्सीमेटली हाफ पैकेट स्पेगेटी मैंने इसमें ऐड किया था।
रमज़ान की चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर करके फ्री हो जाए ना, तो आपको बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है इबादत के लिए, तो आप टेंशन फ्री हो जाते हो बिल्कुल। उसमें ये होता है कि फिर आप डेली बेसिस पे चने बॉईल करके चना चाट बना लिया, लोबिया चाट बना लिया। मेरी बीवी ने बना के रखा मेरे लिए, क्योंकि मैं दोपहर को अक्सर रूखी चिकन खा रहा होता हूँ, तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है उसके लिए कि विनेगर के अंदर अनियंस और ग्रीन चिली, और ये इतने मजे की लगती है कि ये राइस और मैं जाके भी खाने वाला हूँ। दाल चावल के साथ या सालन और राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। चले हमारा ये प्रिपेयर हो गया स्प्रिंग रोल्स का बैटर, डन। ओके, तो अब हमने स्प्रिंग रोल्स का बैटर प्रिपेयर कर लिया, और ये जो चिकन हाफ हमने निकाली थी ये ब्रेड रोल की, इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस चीज़ ऐड करना है। अच्छा, अब आपने अगर दो चीज़ें बनानी होती हैं, सपोजली आपने समोसे भी बनाने हैं, तो इजी होता है कि आप एक जगह चिकन प्रिपेयर करके फिर उसको सेपरेट कर दो, ताकि फिर आपका टाइम भी बच जाए। नॉर्मली मैं समोसे भी बनाती हूँ इसके साथ, लेकिन इस दफ़ा मैं आलू के बनाऊँगी, तो वो भी आपको दिखाऊँगी आलू का बैटर प्रिपेयर करके, उसको फिर हम समोसे बनाएंगे। तो ये मैं दो तरह की चीज़ डालूंगी इसमें, चीज़ स्लाइसेस जो कि चेडर के होते हैं, और मोज़रेला चीज़ सेपरेटली। मोज़रेला चीज़ ऐड कर रहे हैं, चीज़ मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। देखा, आ गया चिकन और चीज़ का शौकीन। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ, क्योंकि रमज़ान आ रहा है, सब लोग खाना पीना बहुत इन्जॉय करेंगे, और जो लोग क्या कहते हैं, ये सब कुछ इतना ज़्यादा इजीली अफोर्डेबल नहीं है जिन लोगों के लिए, सब लोग ये नहीं कर सकते, उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखें, वो लोग जो ये सब कुछ कर सकते हैं। जी, आपका होमवर्क हो गया, वेरी नाइस, ओ माई गॉड। ये देखें, ये महावीर ने कलरिंग कर लिए, और महावीर का एक होमवर्क अभी रहता है। महावीर, ये भी आपने कलर करके लाना है। ओके, आप लोग, हम लोग लोगों को हेल्प आउट कर रहे होते हैं बाहर सड़क पे, जो लोग घूम रहे होते हैं, प्रोफेशनल्स हैं और इस तरह के, नो इधर उधर से आते हैं और आके मांग के लाखों रुपए लेकर जाते हैं यहाँ से, महीना जमा करके। आप उन लोगों को हेल्प आउट ना करें जो आपसे रिलेटेड हैं, लोग जो आपके करीब हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, सफ़ेद पोश हैं, सबसे पहले, बल्कि हाउस हेल्प से पहले भी सबसे पहले रिलेटिव्स। लोगों को बहुत वो होता है कि नहीं यार उनके पास तो कि उनके पास तो ये भी है, उनके पास वो भी, ऐसा नहीं होता यार, वो ऐसा आपको दिखाते हैं। लोगों का असल जो है वो इंसान को पता होता है, उसका बड़ा ख्याल रखें। बस मेरा ये मैसेज है कि जो लोग आपके करीब हैं, स्पेशली आपके फैमिली मेंबर्स, आपकी सेकंड फैमिली, आपके हाउस हेल्प, आपके जो घर से रिलेटेड हैं या आपके काम से रिलेटेड हैं, उनको आप ज़रूर याद रखें, उनको हेल्प आउट करें इस महीने के अंदर। आपको अल्लाह ताला बहुत सारा सवाब देगा, और आप जो भी देंगे आपके पैसे में या आपकी किसी भी चीज़ के अंदर कमी नहीं आएगी, उसको अल्लाह ताला और मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न करेंगे। सो प्लीज़ आप उन लोगों को ज़रूर हेल्प आउट करें। थोड़ा सीरियस मैसेज था लेकिन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हो सकता है कि मेरे कहने से किसी के दिल में ये बात आ जाए कि यार हमें ऐसा करना चाहिए, तो आपको तो सवाब मिलेगा ही, थोड़ा सा मुझे भी मिल जाएगा। लालची यार, रमज़ान आ रहा है, महावीर ने भी हेल्प करा दी। ये मेन कुक आ गए इस वक्त यहाँ पर, पूरा येलो कर दिया। ये कैसे किया आपने, ये कैसे किया आपने, ये तो बहुत मुश्किल होता है। महावीर, आपको कुकिंग सीखने का शौक है? बड़े होकर सब कुछ बनूंगा, सब कुछ बनूंगा, ये सही है। सो हम ब्रेड रोल्स प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, मैं आपको सिर्फ दिखा दूंगी कि कैसे बनेगा, बिकॉज मैं लेट हो रही हूँ, शूट पे जाना है, तो आई विल जस्ट शो यू। मैंने चिकन को जो है ना अच्छे से मैश कर दिया था हाथ से, और उसमें मेयोनीज ऐड कर दिया था, और थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ और ऐड किया था, और नमक मिर्च थोड़ा वो एडजस्ट किया था मैंने उसको। बाकी एग है ये, इसमें नमक है अंडे में, और मिक्स्ड हर्ब्स आते हैं वो डाले हैं मैंने, और ब्रेड क्रम्स हैं,
ब्रेड है जिसके कॉर्नर्स कट ऑफ कर दिए हैं, और ये जो चिकन है इसको अच्छे से हाथ से मैश करके इसमें मैंने मेयो ऐड किया, थोड़ा चीज़ और ऐड किया और नमक मिर्च एडजस्ट किया था। और ये एग्स हैं जिसमें चार अंडों में मैंने थोड़ा सा नमक और मिक्सड हर्ब्स ऐड किए हैं, मिक्सड हर्ब्स रेडी मिलते हैं। और ये ब्रेड क्रम्स माबी ने मिक्स किया है, और ये ब्रेड क्रम्स हैं और ये पानी है। तो हम इसको जो है वो इसके कॉर्नर्स कट कर दिए थे, तो इसको हम बेल लेंगे अच्छी तरह से। फ्रेश ब्रेड लेनी होगी वरना फिर टूट जाती है जो पुरानी ब्रेड होती है। पानी ऐड करके इस पे कॉर्नर्स पे पानी लगाना है। मम्मा मैं दूंगा। ओके जानी। ओके ये बीच में हमने बैटर लगाया चिकन का, जो कि मुझे लग रहा है थोड़ा कम करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा लग रहा है। डर लग रहा है। ठीक है अब इसको ऐसे करके ऐसे क्लोज कर दिया, क्योंकि पानी लगा हुआ है कॉर्नर्स पे तो ये उसको स्टिक कर देंगे हम। ओके सो वेरी इजी, इसको बस एग में डिप करना है एक बार और ब्रेड क्रम्स लगाने हैं इस पे, अच्छे से कोट कर देने। थैंक यू माबीर। सो या इट्स रेडी और माबीर भी मेरी हेल्प कर रहा है, और ये आप फ्रीज कर दें और फिर इसको जब फ्राई करना हो तब फ्राई कर लें इफ्तार से पहले। वाह माबीर आप तो कितनी अच्छी हेल्प कर रहे हो मेरी। इसको अच्छे से क्लोज कर लीजिएगा, पानी लगा हुआ है इसको चिपका दीजिएगा वरना फिर फ्राइंग में ही अंदर चला जाएगा इसके ऑयल। तो गाइस शेफ तैयार है, सुन रहे हैं नया शेफ तैयार है, शेफ महावीर। आप लोग बताएं कि आप लोग शेफ महावीर की कौन सी रेसिपी देखना चाहेंगे। नया शेफ मम्मा का। मम्मा मैंने इसको रोल करिए, अब मेरे और ओके okay, तो ब्रेड रोल मैंने आपको दिखा दिया कैसे बनता है, स्प्रिंग रोल दिखा दूंगी। ये स्प्रिंग रोल पट्टी है, ये मैंने आटे का पेस्ट बनाया हुआ है, आटे में बस पानी मिला के और इसको आटे का लेप कहते हैं। मैं भी करूंगा। और बस इसमें बैटर डालूंगी। मुझे भी करना है। ओके मेरी जान, बस मैं आपको दिखाती हूँ ना, अभी आपको नहीं आता ये। ये बैटर डाल के इसमें इसको फोल्ड करना है, वेरी नाइस। ठीक है उसके बाद इसको बंद करना है यहाँ से, रोल पट्टी जो है ना आपको बड़ी किस्मत से कोई अच्छी क्वालिटी की मिलती है, मुझे लगता है ये अच्छी क्वालिटी की नहीं है बिकॉज ये फट रही है। और क्योंकि मैं जल्दी में हूँ, लेकिन जितनी भी हमारी ख़वातीन हैं या लोग हैं जो देख रहे हैं कि रोल बनाने का शेप तो मैंने आपको बता दिया है, तो अपने हिसाब से पट्टी लें और शेप बनाएं और बैटर मैंने आपको बता दिया है। और अब मुझे देर हो रही है, मुझे ईचो में जाना है, बाय। ये हमारे ब्रेड रोल रेडी हो गए और आप देख सकते हैं इसके नीचे भी है हेयर, तो इनको अब हम फ्रीज कर देंगे। जी तो आपने देखी हमारी रमजान की तैयारियां और रमजान का फोकस, जैसे कि कमेंट तो ने बताया। मैंने इसलिए बोला कि मैं वो वाली ड्राइंग बाद में करूंगा, क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना था। और आपको पता है माबीर ने जो रमजान कार्ड बनाया था वो नेक्स्ट मॉर्निंग में टीचर ने अपने बोर्ड पे लगा लिया। माँ भी स्कूल लेके गया, टीचर को इतना पसंद आया उन्होंने अपने बोर्ड पे लगा लिया अपने पास। और टीचर ने बोला अपने स्टूडेंट्स को कि माबीर के लिए
रैपिंग करो। वेरी नाइस। सो गाइस आप सब लोगों को बहुत सारा रमजान मुबारक। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। बिल्कुल अपनी दुआओं में याद रखें। और रमजान का मकसद ये था हमारा कि हम तैयारियों से पहले फ्री हो जाएं ताकि रहमतें बरकतें अल्लाह ताला की जो है वो समेट सके रमजान के महीने में। आई होप आप लोगों को हमारी रमजान की प्रेपरेशन अच्छी लगी होंगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो। रमजान मुबारक। और हम लोग रमजान में सहरी की इफ्तारी की बाहर खत्म होने वाले नहीं, नहीं जान रमजान में इंशाल्लाह हम अपने ब्लॉग्स बनाएंगे और अपने व्यूअर्स को अपडेट रखेंगे। कुछ नाइट्स के बनाएंगे, कुछ गेम्स के बनाएंगे और बाकी ब्लॉग्स हैं। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कच्चा दबाओ सबक रहा है। होमवर्क छोड़ के आ गए। चुप चुप के वीडियो मत देखिए, सब्सक्राइब करें। आप सबको पेंसिल में मिक्स कर दे। रमजान